हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक सीरीज में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो आप पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं इस बारे में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में आप कुछ प्रोसेसेस आपने पिछले वीडियो में पढ़े हैं, तो ये टॉपिक हम कंटिन्यू करके चल रहे हैं आगे। तो पिछले जो आपने वीडियो में पढ़े थे प्रोसेस, वो आपने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में आपने वहाँ पर पढ़ा था, आपने आइडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में वहाँ पर पढ़ा था, आइसोबारिक, ठीक है, आइसोकोरिक, तो इन सब प्रोसेस के बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है ये, इसमें आप जो ये पढ़ोगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हम चल रहे हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको पता है, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेसेस, दोनों डिफरेंट प्रोसेस हैं, रिवर्सिबल इररिवर्सिबल। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, आपने कंटेनर लिया हुआ है और इस कंटेनर में गैस फिल्ड है और इसमें आपने पिस्टन यहाँ पर लगाया हुआ है। पिस्टन आप जानते ही हैं, ठीक है, पिस्टन को आप नीचे करोगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, पिस्टन को आप ऊपर करोगे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, या आप कह सकते हो फोर्स आप ऊपर की, आप पिस्टन को मतलब आगे पीछे कर सकते हो यहाँ पर, जैसे आप पिचकारी होती है, ठीक है, पिचकारी में जो पीछे वो पिस्टन होता है उससे आप अगर आगे करते हो तो पानी जो है वो जो भी आपने कलर फिल किया हुआ है इसमें वो बाहर निकलने लगता है, ठीक है, और आप उसे अंदर फिल भी कर सकते हो। आप पिस्टन को पीछे की तरफ जब खींचते हो तो आप कलर को अंदर फिल कर लेते हो, तो पिचकारी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका पिस्टन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका गैस यहाँ पर फिल्ड है। अब देखिए, जो एक प्रेशर होगा वो इंटरनल प्रेशर होगा और एक बार जो बाहर का प्रेशर लग रहा है वो आपका एक्सटर्नल प्रेशर होगा। इंटरनल प्रेशर पिस्टन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरनल प्रेशर जो होगा वो आपका पिस्टन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है और जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। आप कैसे कह सकते हो, यहाँ ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और यहाँ पर नीचे की तरफ, तो जो इंटरनल फोर्स होता है जो ऊपर की तरफ लग रहा है उसे कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ड्राइविंग यही पूछ लेता है वो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो जो इंटरनल प्रेशर होता है जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है वो आपका क्या है, ड्राइविंग फोर्स, और ये जो एक्सटर्नल जो प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये आपका होता है अपोजिंग फोर्स, जो नीचे के लगने वाले फोर्स को अपोज कर रहा है, यानी कि उसका विरोध कर रहा है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है, ये होता है आपका अपोजिंग फोर्स। अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ वेट रखे हुए हैं, ठीक है, कुछ वेट यहाँ पर रखे हुए हैं। जब आप इस पर वेट रखोगे तो आज देखो सीधी सी बात है, मान लीजिए अभी की कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए बाहर का जो प्रेशर है या बाहर का जो फोर्स है वो 50 है और अंदर का फोर्स भी 50 ही लग रहा है, अंदर भी 50 फोर्स लगा रहा है तो बाहर का 50 फोर्स हो गया। जब दोनों फोर्स बाहर और अंदर के जो फोर्स हैं दोनों बराबर हो गए या जो दोनों प्रेशर बराबर हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पिस्टन है वो अपनी पोजिशन पर ही रहेगा। भाई जब दोनों बाहर भी इतना ही प्रेशर लग रहा है अंदर भी इतना ही प्रेशर लग रहा है तो पिस्टन जो आपका पिस्टन है वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेगा। लेकिन आप क्या कीजिए, आप यहाँ से मान लीजिए आपने एक या दो वेट को यहाँ पर हटा दिया, मान लीजिए आपने एक या दो वेट को यहाँ से हटा दिया, और हटाने पर जो बाहर का प्रेशर है, देखिए जब आप वेट हटाओगे तो बाहर जो प्रेशर लग रहा था वेट हटाने पर वो तो कम हो जाएगा, तो वो कम हो गया, मान लीजिए कितना हो गया आपका 45 हो गया। आपने वेट हटाया, वेट हटाने में बाहर का जो फोर्स लग रहा था या प्रेशर लग रहा था वो कम हो गया, वो कितना रह गया 45, और जबकि अंदर का कितना है आपका 50। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर गया, अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ गया, तो जब अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ उठने लगेगा, तो पिस्टन इतना तब तक ऊपर की तरफ उठता रहेगा जब तक कि अंदर का प्रेशर भी 45 तक ही ना पहुँच जाए। तो अंदर का प्रेशर 45 हो जाएगा, फिर रुक जाएगा पिस्टन, फिर आपने थोड़ा वेट हटाया, फिर थोड़ा वेट हटाने पर आपका जो मान लीजिए आपका जो ये प्रेशर है बाहर का वो आपका 42 रह गया, तो ये पिस्टन फिर ऊपर की तरफ उठेगा, फिर ऊपर की तरफ उठकर ये 42 तक जाएगा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि अगर आप वेट दोबारा रखने लगो, आपने दोनों वेट फिर दोबारा रखे, दोबारा रखने पर ये बाहर का जो प्रेशर है वो फिर बढ़ जाएगा, वो बढ़कर कितना हो जाएगा 45, तो अंदर का देखिए प्रेशर क्या होगा, कम रह गया, तो फिर क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ कब तक आएगा, जब तक कि अंदर का प्रेशर बढ़कर 45 तक ना चला जाए, क्योंकि जब बाहर से प्रेशर लगेगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ने लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, आप जानते हैं इस बारे में, तो ये अंदर का प्रेशर यहाँ पर 45 ना हो जाए तब तक होगा। तो देखिए ज़रा आप क्या करें, अगर वेट हटा रहे हैं तो अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, वेट आप बढ़ा रहे हैं तो बाहर का प्रेशर बढ़ रहा है, तो इससे हमें पता चलता क्या है कि आप पिस्टन को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं और वहीं आप जब बाहर से प्रेशर बढ़ाते हो तो पिस्टन नीचे की तरफ जाने लगता है। मीन्स क्या है कि ये प्रोसेस आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है। मान लीजिए आपका जो पिस्टन है उसमें आपका जो फाइनल स्टेट है, ये आपकी इनिशियल स्टेट हो गई और ये आपकी फाइनल स्टेट हो गई। अब इसे यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है,
तो हम इसमें एक एक करके वेट हटा रहे हैं। तो मान लिया हमने थोड़ा वेट हटाया तो पिस्टन आपका यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर आपने वेट हटाया, आपका पिस्टन यहाँ पर आ गया। फिर आपने वेट हटाया, आपका पिस्टन यहाँ पर आ गया। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि जैसे आप पिस्टन हटाते हो, आपका मान लिया थोड़ा आपने वेट हटाया तो पिस्टन आपका यहाँ आ गया। फिर आपने वेट रख दिया वापस, तो पिस्टन आपका देखिए फिर नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो अगर आप मतलब इस तरह से करते करते आप एक एक स्टेप करके जाते हो, और इस स्टेप को मान लो आप स्टेप फर्स्ट पे थे, आप स्टेप सेकंड पे गए, फिर थर्ड पे गए, फिर फोर्थ पे गए, फिर फाइनल पे गए। लेकिन आप क्या कर सकते हो उसमें कि स्टेप फर्स्ट से सेकंड पर जाने पर आप सेकंड से फर्स्ट पर वापस आ सकते हो। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं जिनमें आप स्टेप फर्स्ट पे गए हो, सेकंड पे गए हो, फिर सेकंड से वापस फर्स्ट पे आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के जो स्टेप हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। तो ये प्रोसेस इस तरह के भी जो प्रोसेस होते हैं वो भी रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ये प्रैक्टिकली नहीं देखे जाते हैं। मीन्स क्या है कि नेचर में इस तरह के प्रोसेस देखने में नहीं आते। ये केवल और केवल आपका हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, जिसका केवल हमने कल्पना की है, कह सकते हैं कल्पना की है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो इसमें आप एक पॉइंट कह सकते हो कि आप जो पॉइंट में लिखने में आओगे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, जो हाइपोथेटिकल और इमेजनरी प्रोसेस होता है, जिसके हम इमेज अपने माइंड में बना रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे हुआ होगा, ठीक है। तो इमेजनरी प्रोसेस है। और इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होता है, देखिए आपका जो ड्राइविंग फोर्स है, जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये आपका अपोजिंग फोर्स है। तो इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो बहुत कम कम करके बढ़ रहा है। मीन्स कि आपने थोड़ा वेट टाया तो थोड़ा फोर्स बढ़ा, मतलब ये नहीं है कि अंदर का प्रेशर कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, अंदर का प्रेशर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होगा। मतलब समझने के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर का प्रेशर आपका 50 है, अंदर का प्रेशर आपका 50 है, फिर एक कंडीशन आई आपने वेट हटा दिया, बाहर का प्रेशर आपका 48 हो गया, तो अंदर का प्रेशर केवल दो यूनिट आपका डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा और ये भी 48 हो जाएगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, वो बहुत थोड़ा ही बढ़ा है, बहुत कम बढ़ा है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट यही है, इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो बहुत कम करके ज़्यादा होता है, यानी कि इनफाइनाइट सेमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स ये होता है, आप ऐसे ऐसे कह सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम रिवर्सिबल प्रोसेस में लेते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में नेक्स्ट पॉइंट आप ये ले सकते हैं कि ये जो है इनफाइनाइट टाइम ले सकता है प्रोसेस को कंप्लीट करने में, मतलब इनिशियल कंडीशन से फाइनल तक पहुंचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इनफाइनाइट टाइम ये ले सकता है। मीन्स क्या है कि भाई यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर कुछ कंडीशन ऐसी हुई कि यहाँ से फिर वापस आ गया, फिर वापस गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो इस तरह से करते करते ये आपका फाइनल तक जा रहा है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका एक पॉइंट हो गया, ये इनफाइनाइट टाइम ये ले सकता है, अनंत टाइम ये ले सकता है, ठीक है, और ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हो इसमें जो वर्क डन है, यानी कि जो कार्य हो रहा है इसमें वर्क डन हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, आप सीधा यहाँ से यहाँ नहीं जा रहे हो, मतलब आपको कोई स्पीड नहीं मिली है, आप धीरे धीरे पहले यहाँ से आ गए, फिर वापस यहाँ भी आ सकते हो, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर वापस आ सकते हो। तो इस तरह से कर करके यहाँ पर आपको वर्क डन जो है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो वर्क डन जो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है वो मैक्सिमम होता है। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका आपका है कि जो ये जो प्रोसेस है, मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि ये प्रोसेस जो है वो नेचुरल नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसे प्रोसेस नहीं देखे जाते। दूसरा आपका नेक्स्ट पॉइंट आप ये कह सकते हो कि इसमें हर स्टेप पर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। मीन्स क्या है कि आप यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो, फिर यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो, उनकी हर स्टेप पर आप वापस आ सकते हो, हर स्टेप इसमें जो है वो रिवर्सिबल होगा। तो यही आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब हम समझते हैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। और एक चीज़ आपकी और समझने वाली है, जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये आपका प्रोसेस कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, हम इन रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपने ऐसे ही एक पिस्टन लिया हुआ है, ये आपका पिस्टन है और यहाँ पर आपकी गैस फील्ड है, ये ड्राइविंग फोर्स हो गया पी इंटरनल, और ये आपका एक्सटर्नल जो होगा ये अपोजिंग फोर्स हो गया, ठीक है, ये आपका अपोजिंग फोर्स है और ये आपका ड्राइविंग फोर्स है। अब देखिए आपने ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर वेट रखे हुए थे, ठीक है, आपने यहाँ पर वेट रखे हुए थे, तो आपकी ये इनिशियल कंडीशन है और यहाँ पर आपकी फाइनल कंडीशन है। तो इसमें होता क्या है, देखिए आपने बार का मान लीजिए जो प्रेशर था वो 50 था और अंदर का भी कितना था 50 था। तो इसमें होता क्या है कि आप अगर एक साथ मान लीजिए आप एक साथ इस पूरे वेट को हटा दें, अगर आप एक साथ इस पूरे वेट को हटा दें, तो वेट हटाने पर मान लीजिए क्या हो कि आपका जो प्रेशर था, चलो इसे यहीं पे समझ लेते हैं कि आपका जो बाहर का जो प्रेशर था पहले कितना था आपका 50 था, लेकिन वो अब कितना रहेगा जब आपने एक साथ पूरे वेट को हटा लिया, तो वो कितना रह गया आपका 1 एटमोस्फेरिक रह गया। मैंने इसलिए कहा
वैसे तो हम ये रफ वैल्यू ले रहे हैं, इसमें आपको ये नहीं समझना चाहिए कि 50 होगा, तो 1 इसलिए कहा कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है आपका 1 एटमोस्फेरिक होता है ऑलवेज, वो आप समझ सकते हो। तो हमने ये पूरा वेट हटा लिया तो आपका कितना रह गया, 1 एटमोस्फेरिक रह गया। तो क्या होगा, देखिए अंदर का तो 50 है अभी, तो इंटरनल प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि हम रिवर्सिबल बात में बात कर रहे थे कि आपने कुछ वेट हटाया तो आपका 48 हो गया, तो अंदर का प्रेशर जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई। बाहर का तो कितना है, केवल 1 एटमोस्फेरिक है, और अंदर का कितना है, 50 आपका है। तो यहाँ पर जो अंदर का प्रेशर है आपका वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। तो जब वो बहुत ज़्यादा होगा तो अंदर से प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लगेगा, तो बहुत ज़्यादा जो प्रेशर लगेगा वो बीच में किसी भी कंडीशन पर ना रुक के सीधा इनिशियल से फाइनल पर ही जाकर रुकेगा भाई, वो बीच में नहीं रुकेगा, वो सीधा कहाँ जाएगा, इनिशियल से सीधा फाइनल पर जाएगा। तो इस तरह के प्रोसेस कैसे होते हैं आपके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं जो सीधा इनिशियल से फाइनल तक जाकर ही रुकते हैं, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप समझ सकते हैं क्योंकि इसमें इंटरनल या ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा होता है किससे, अपोजिंग फोर्स से। तो आप इसमें ये पॉइंट्स ले सकते हो, फर्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं इसमें ये प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस और फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत तेज़ी से होता है। दूसरा हम ले सकते हैं ये इट टेक्स फाइनाइट टाइम, ये बहुत, ये एक निश्चित टाइम लेता है, हम बता सकते हैं कि इतने टाइम में इनिशियल से फाइनल पर चला गया। बट आपका जो रिवर्सिबल प्रोसेस था उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कितने टाइम में गया, उसके लिए हमने इनफाइनाइट टाइम लिया था, लेकिन इसके लिए फाइनाइट टाइम होगा, निश्चित होगा, ठीक है, कितने टाइम में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें कह सकते हैं ड्राइविंग फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा अपोजिंग फोर्स से, क्योंकि इसमें आपका जो इंटरनल प्रेशर होता है वो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये आपके नेचुरल प्रोसेस हैं, ठीक है, जो देखने को पाए जाते हैं, प्रैक्टिकली आप इन्हें देखते हो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसमें इनिशियल और फाइनल कंडीशन जो होती हैं वे केवल इक्विलिब्रियम में होती है। मींस क्या है कि वो बीच के स्टेप से वापस नहीं आ सकता, वो सीधा इनिशियल से फाइनल पर गया, वो फाइनल से इनिशियल पर आ सकता है वापस। भाई आपने क्या किया, आपने वाटर को हीट किया, वाटर को हीट करने पर वाटर वेपराइज हो गया, फिर आपने इसे कूल किया, कूल करने पर जो वेपर है वो ठंडी होकर फिर लिक्विड में आ गई। तो आप ये तो कर सकते हैं कि इनिशियल से फाइनल पर गए, फिर फाइनल से फिर इनिशियल पर आ जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं कर सकते इसमें कि बीच में किसी कंडीशन पर रुके, फिर उस कंडीशन से बीच में फिर वापस आ गए। भाई हमें क्या पता, हमने वाटर को हीट किया, वाटर को हीट करने पर आपका क्या बना, आपके वाटर वेपर बनी, तो हमें क्या पता बीच में क्या क्या हुआ। हमें तो इतना पता है कि वाटर से आपने हीट करके वाटर वेपर बनाई, उसे कूल कर दोगे तो वापस आ जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन वो कहाँ इक्विलिब्रियम में होगा, वो आपका इनिशियल से फाइनल पर जा सकता है और फाइनल से आपका इनिशियल पर आ सकता है। तो ये इस तरह के जो प्रोसेस है वो नेचुरली देखने को मिलते हैं, तो नेचुरल प्रोसेस हम इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें वर्क डन, देखिए इसमें वर्क डन जो है वो मिनिमम होगा, इसमें वर्क डन मिनिमम नहीं कह सकते हम ये कह सकते हैं वर्क डन मैक्सिमम नहीं होगा, यानी बहुत ज़्यादा वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन तो होगा और हम ये भी नहीं कह सकते वो बहुत मिनिमम होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इसमें होगा, लेकिन वो ज़्यादा मैक्सिमम यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये आप कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जा सकता है, प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं भाई आप वाटर को हीट कीजिए, वाटर वेपर बदलिए, ठंडा कीजिए, लिक्विड बदलिए, लिक्विड से गैस में, तो आप इस तरह से लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, तो इस तरह से आप इसे प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर मैं आपको नेचुरल प्रोसेस या कुछ एग्जांपल अगर आपको दूं, आप एक पेपर लीजिए और पेपर को जला दीजिए, तो देखिए अगर पेपर को आप जलाएंगे तो उस पेपर का जितना पार्ट भी आप उसे रोक नहीं सकते जलने से पूरी तरह से, सॉरी मींस क्या है कि आपने पेपर का ये पार्ट लिया, आपने इसे जला दिया, तो आप कहेंगे हाँ मैंने तो उसे रोक दिया, मैंने तो इतना पार्ट जलने दिया, केवल इतना रह गया। भाई वो पेपर तो आपका पूरा कंप्लीट ऐसे ही है, उसमें आपकी तो कोई कंडीशन भी नहीं गई, लेकिन ये पेपर आप जब वो जलेगा तो वो गैस में चला जाएगा, उस गैस को बनने से आप नहीं रोक सकते। भाई आप जानते हैं कि पेपर्स जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जब हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हो तो वहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है लिबरेट हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप बनने से नहीं रोक सकते अगर आपने इस पेपर को जला दिया है। तो कंबसन ऑफ पेपर जो है इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा आप कह सकते हो कि जो हीट का फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर आप नहीं रोक सकते। भाई आपने कहीं हीट किसी ऑब्जेक्ट, आपने कोई आयरन का मान लीजिए रोड लिया, या सॉरी आप सीधा सा एग्जांपल लीजिए, आपने वाटर को हीट किया, एक बीकर लिया, आपने वाटर को हीट किया, हीट करने के बाद आपने वाटर को अलग रख दिया, अब आपका वाटर हीटेड है, टेम्परेचर ज़्यादा है इसका, तो क्या उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। सीधी सी बात है भाई, टेम्परेचर तो कम हो जाएगा रखने पर, क्योंकि बाहर के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा वो। तो जब अंदर का टेम्परेचर, आपका वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा था, आपने इसे हीट किया पहले और टेम्परेचर बढ़ाया, फिर आपने अलग से रख दिया, अलग से रखने पर आप क्या देखते हैं कि कुछ देर बाद वो धीरे धीरे करके वो ठंडा हो जाता है, आप उसे ठंडा होने से नहीं रोक सकते। या तो आप टेम्परेचर देकर रखिए इसे,
या आप टेम्परेचर को जब हटाओगे तो आप उसे ठंडा होने से तो नहीं रोक सकते। तो ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो हीट का फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से बाहर की तरफ यानी कि लो टेम्परेचर पर होता है। मीन्स क्या है कि अगर वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे हीट जो है बाहर की तरफ यानी कि सराउंडिंग में जाती रहेगी। ये आपका सिस्टम हो गया और जो आपकी हीट है वो बाहर की तरफ सराउंडिंग में जाती रहेगी, यानी कि जो हीट का फ्लो है वो आपका हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर होता है, ये आप समझ सकते हो। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि जितने भी आपकी नेचुरल रिएक्शंस हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आप कह सकते हो जितने भी आपकी नेचुरल रिएक्शंस हैं वो सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस ही हैं। कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है जो रिवर्सिबल हो, वो केवल हाइपोथेटिकल है, ये आपको समझ जाना चाहिए।